गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माई क्लास। एंड टूडे वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन 6। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। कस्वी ड्रैंक द टेस्टी मिल्क अंटिल द बॉल वॉज एम्प्टी। कस्वी ने पूरा टेस्टी मिल्क पिया अंटिल द बॉल वॉज एम्प्टी, जब तक कि वो बॉल खाली नहीं हो गई, जब तक वो कटोरी खाली नहीं हुई तब तक उसने वो दूध पूरा, यानी कि उसने पूरा दूध फिनिश कर दिया। देन शी एट एवरीथिंग ग्रैंडफादर गेव हर, उसके बाद उसने वो सब खाया जो ग्रैंडफादर ने उसे दिया था। आफ्टर लंच, लंच के बाद ग्रैंडफादर मैंडेटेड फ्यू थिंग्स इन द हट। आफ्टर लंच, लंच के बाद ग्रैंडफादर मैंडेट मीन्स होता है संभालना चीज़ों को, ठीक है। फ्यू थिंग्स मतलब कुछ चीज़ों को संभाला अपने हट में, इन द हट मीन्स अपने उसने हट के अंदर चीज़ों को व्यवस्थित किया, संभाला। कस्वी फॉलोड हिम, कस्वी उनके पीछे पीछे रही एंड वॉच्ड ऑल, और ये सब देखती रही, देखा उसने। एंड दैट ही डिड एंड सो द टाइम पास्ड हैप्पीली टिल इवनिंग। जो जो भी वो कर रहे थे वो उनको देख रही थी, उनके पीछे पीछे थी, इस तरह से पूरा टाइम पास हो गया टिल इवनिंग, कब तक, शाम तक का टाइम उनका निकल गया। एज, नेक्स्ट पैराग्राफ है अब आपका, एज द स्काई टर्न डार्क, जैसे स्काई डार्क हुआ मीन्स शाम हुई, शी हर्ड अ विसल, हर्ड मीन्स सुनना, ठीक है, उसने एक विशिल सुनी, विशिल मीन्स सीटी, उसने सीटी की आवाज़ सुनी, सीटी सुनी, द गोट्स वर कमिंग डाउन द माउंटेन विद रिजान। गोट्स मीन्स बकरियाँ अब माउंटेन से नीचे की तरफ आ रही थी विद रिजान, रिजान के साथ। कस्वी रैन आउट टू मीट रिजान, कस्वी भागकर रिजान से मिली। ग्रैंडफादर गैदर द गोट इन द शेड, और ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने उन बकरियों को इकट्ठा करके शेड में ले गए, ठीक है, जहाँ बकरियों के बांधने की जगह होती है ना, शेड वो होती है, ठीक है, वहाँ वो उन बकरियों को इकट्ठा करके ले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, गो गेट योर बॉल, कस्वी सेड ग्रैंडफादर, जाओ अपनी बॉल लेकर आओ, अपनी कटोरी लेकर आओ कस्वी, ऐसे किसने कहा, ग्रैंडफादर ने कहा। कस्वी सून कैम बैक विथ हर बॉल, कस्वी जल्दी ही अपनी बॉल के साथ आ गई। ग्रैंडफादर मिल्क्ड अ गोट, ग्रैंडफादर ने एक बकरी का दूध निकाला, एंड फिल द बॉल फॉर हर, देन ही गेव हर सम आलमंड। ग्रैंडफादर मिल्क दूध निकाला एंड फिल द बॉल, और पूरी बॉल जो थी उसके लिए भर दी, पूरी कटोरी भर दी। देन उसके बाद ही गेव, उन्होंने दिया उसको सम आलमंड, कुछ आलमंड्स मीन्स बादाम दिए, एंड सेड, और कहा, इट इज़ इवनिंग ऑलरेडी, अब पूरी तरह से शाम हो गई है, यू शुड ड्रिंक सम मिल्क, तुम्हें कुछ दूध पीना चाहिए, देन यू कैन प्ले विद रिजान, उसके बाद तुम रिजान के साथ खेल लेना। यस ग्रैंडफादर, हाँ दादाजी, शी सैड, उसने कहा, एंड वेंट इनडोर्स, और घर में चली गई। शी सैट एट द टेबल टू हैव हर मील, उसके बाद वो अपने टेबल पर बैठकर अपने मील का भोजन को खाने लगी जो उसको दादाजी ने दिया था। फ्रॉम द विंडो, और विंडो से शी कुड सी हर ग्रैंडफादर टैंड हिज हर्ट, वो देख पा रही थी, क्या देख रही थी, कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो उस झुंड को टेंड कर रहे थे, मतलब कि उस झुंड को इकट्ठा कर रहे थे, उनको व्यवस्थित कर रहे थे, बांध रहे थे उन्हें। सी स्माइल्ड एज शी एट, और वो खाते खाते मुस्कुरा रही थी। सी लव्ड हर न्यू होम इन द हिल्स, और उसे वो बहुत प्यारा लगा उसका नया घर जो हिल्स पर था, पहाड़ों पर था। ओके बेटा, आज ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, ओके बाय।